हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल माया के एक और धार्मिक वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म के साथ चिरंजीवी कौन है, क्या आप जानते हैं? प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान है। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। अर्थात इन लोगों अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और माकंडेय ऋषि का स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करता है। वेद व्यास जी को भी चिरंजीवी माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई व्यक्ति हर रोज इन 8 अमर लोगों अष्ट चिरंजीवी के नाम भी लेता है तो उसकी उम्र लंबी होती है। तो आइए जानते हैं उन 8 अमर लोगों के बारे में। नंबर 1, बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहां आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में 3 लोक नाप दिए और 3रा पग बलि के सर पर रख कर उसे पाताल लोक भेज दिया। नंबर 2, परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुशेन, वसु, विश्वावसु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान पराशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधि काल माना जाता है। नंबर 3, हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। 1000 वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। नंबर 4, विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम की नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। नंबर 5, ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतः ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्मस्थान के कारण द्वापान कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें 3रे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है।
नंबर छठा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि है और इसीलिए वह अमर है, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे, इसीलिए अश्वत्थामा सात चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित है। नंबर सात कृपाचार्य। शरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को दो शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये जानकारी भरा वीडियो समाप्त होता है। आप सभी मित्रों से मेरी हाथ जोड़ी विनती है, कृपया करके आपके YouTube चैनल स्पिरिचुअल माया को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्त, कल मिलते हैं एक नया मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।